नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार झा बहाली खुलवाने को लेकर एक बार सतत प्रयास कर रहा हूं। तमाम बीएड के अभ्यर्थियों को भी मनाने के बावजूद केस वापस नहीं हो पाया एवं जितने भी प्रयास थे इस ओर की बहाली खुलने को लेकर किया जा सके वो मैंने करके देख लिया, लेकिन उस प्रयास में हम लोग सफल नहीं हो पाए। तो बस एक प्रयास हम लोगों को निकल के आया सामने कि हम लोग एक दखलनामा करें कोर्ट में कि हमारी बहाली ससमय पूरा हो। इसमें हमारे पास तीन रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता कि इस सुनवाई, ये जो कोर्ट का जो 9 सितंबर का जो सुनवाई है उसका सुनवाई अग्रिम हो जाए, ठीक है। दूसरा रास्ता निकलता है कि हम जो दखलनामा करेंगे उसमें विभाग के द्वारा उसी दखलनामा में जवाब मांगा जाएगा और वो अगर काउंटर फाइल कर देती है उस कोर्ट वही केस में, तो ये हो जाएगा कि केस का जो भी फैसला यस या नो में आएगा वो फैसला तत्काल रूप से आ जाएगी, ठीक है। तीसरा है ये रास्ता कि अगर ये दोनों रास्ता आप नहीं हो पाया तो आप राइट टू एजुकेशन को देखते हुए जिस प्रकार से बहाली प्रक्रिया चल रही थी, जिस प्रकार से औपबंधिक मेधा सूची बन रही थी, उस प्रकार से औपबंधिक मेधा सूची बनाया जाए और उसको बनाकर जो है सो काउंसलिंग प्रक्रिया तक पहुंचा जाए। तो ये तो तब तो काउंसलिंग प्रक्रिया तक पहुंच के अपॉइंटमेंट लेटर पर रोक लगाया जाएगा और जिस प्रकार से फैसला आएगा उस प्रकार से अपॉइंटमेंट लेटर का वितरण किया जाएगा। ये तीन रास्ते निकले हैं। उसमें जो भी हम आगे बढ़ रहे हैं वो हम अपने मन से नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले आप लोग पेपर का कटिंग पढ़े होंगे जिसमें दिया गया कि सभी कुछ अभ्यर्थियों के हाथ में ही है, तो इस माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि हमारे कुछ अभ्यर्थी विभाग से भी बात की थी और उस विभाग से बात करने पर माननीय निदेशक महोदय के द्वारा ही ये चीज बताया गया है कि आप चूंकि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो आप लोग आगे बढ़िए और उसमें जहां तक हो पाएगा बहाली ओपन करवाने के लिए हमारा जितना सतत प्रयास होगा हम उसमें करेंगे जो हमको करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अब इसमें आगे बढ़ा हूँ। अब जरूरत है आपके सहयोग की। अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा, आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा, तो मैं इसमें आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ठीक है। मैं कुछ एक से दो दिन बस इंतजार करूंगा इसके लिए। अगर आपका पॉजिटिव रिस्पांस और पॉजिटिव सहयोग मिल पाएगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, अन्यथा इसके जिम्मेवार स्वयं अभ्यर्थी होंगे। ना यहाँ पर कोई बीएड मैटर करता है, ना कोई डीएलएड मैटर करता है, ना सीटेट मैटर करता है, ना बीटेट मैटर करता है। बस यहाँ पर एक ही मैटर करता है कि बहाली जो रुक गई है, स्थगित हो गई है, वो बहाली को कैसे ओपन करवाया जाए। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो आप लोग मिलकर हमें सहयोग करें। बिना आर्थिक सहयोग का कुछ नहीं हो सकता है। अगर आर्थिक सहयोग आपका एक से दो दिन में नहीं आ पाया तो मैं इससे पीछे हट जाऊंगा, फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं रहेगी, अभ्यर्थी इसके स्वयं जिम्मेवार रहेंगे। और मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा ही, क्योंकि जो कोशिश किए हैं वही आज तक सफल हुए हैं। तो आप लोग सहयोग कीजिए, पूर्ण रूप से आर्थिक सहयोग कीजिए। हम बहाली खुलवाने को लेकर जितना प्रयास हो पाएगा उतना हम प्रयास करेंगे, मीडिया से लेकर अब विभाग में हर तरफ से हम उनको दबाव बनाएंगे ताकि हमारी बहाली सुनिश्चित हो पाए, बहाली ओपन हो पाए। नहीं तो अगर ये आचार संहिता का भेंट चढ़ गया ये बहाली, तो फिर सपने में भूल जाइए कि ये बहाली कभी भी हो भी सकती है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर इसमें सहयोग करेगा जी। धन्यवाद।